नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। अभी मैं एक ऐसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसे मैंने कल ही देखा है सन नेक्स्ट के ऊपर, और फिल्म का नाम है अंजाम पथिरा। ये फिल्म जो है एक सीरियल किलर के ऊपर आधारित है। एक सीरियल किलर जो है पूरे शहर में हंगामा मचाए हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ पुलिस वालों को मार रहा। एक साइकोलॉजिस्ट है अनवर हुसैन जो कि मदद करने की कोशिश कर रहा है पुलिस की इस पर्टिकुलर मुहिम में कि किस तरह से जो है पकड़ा जा सकता है जा करके इस सीरियल किलर को। फिल्म की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फिल्म जो है मिथुन मैनुअल थॉमस ने डायरेक्ट की है और इनका डायरेक्शन जो है इस फिल्म का सबसे सशक्त पार्ट है। एक फिल्म जो होती है उसका कथांकन पटांकन जो होता है वो थोड़ा सा अगर लचर भी हो, थोड़ा सा उसमें अगर कमी भी हो, तो भी एक अच्छा निर्देशक जो है उस कमी को ढांक सकता है, और मेरे हिसाब से इस फिल्म में उस कमी को बखूबी ढांका गया है। साइकोलॉजिस्ट हैं अनवर हुसैन जिसका रोल किया है कुंचको बॉबन ने, और कुंचको बॉबन ने बहुत ही बढ़िया ये रोल किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है उनको। और उनका एक दोस्त है जीनू जोसेफ ने जिसका रोल किया है अनिल का, और ये दोनों व्यक्ति मिल करके किस तरह से जो है अंजाम तक पहुंचाते हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को, ये इसकी कहानी है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नॉर्मल तरीके से और बहुत ही बिलीवेबल तरीके से किया जा रहा है, हालांकि जो मर्डर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं जो एक्सपेक्ट थी। मेरे हिसाब से ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म है। एक कहानी में जो पकड़ होनी चाहिए वो है, कुछ सीन जो हैं थोड़े से विचलित करने वाले हो सकते हैं, किंतु ओवरऑल जो है एक थ्रिलर के रूप में एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि ये एक जो है थ्रिलर अगर आप देखेंगे तो आप ये बोलते हुए कभी नहीं उठेंगे कि मुझे इस फिल्म में मज़ा नहीं आया। फिल्म आपको जो है एक बार देखने का मज़ा देती है, और आमतौर पर इस तरह के थ्रिलर्स जो होती हैं वो एक ही बार के लिए बनती हैं। वो इसलिए के लिए नहीं बनती हैं कि इसको आप 50 बार देख सकें, या एक बार जब भेद खुल जाए उसके बाद भी आपको आनंद दे। जी नहीं, एक बार भेद खुल गया कि कौन हत्यारा है तो उसके बाद कोई आनंद नहीं बच जाता है फिल्म में। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि फिल्म को जा करके एक दफ़े ज़रूर देखें, बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस फिल्म को देखने में। और आप जानते ही हैं कि मुझे अगर कोई फिल्म ख़राब लगती है तो मैं उसका रिव्यू करता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी फिल्म की बुराई करने में विश्वास नहीं रखता। तो यदि मैं किसी फिल्म को अलग कर रहा हूँ रिव्यू करने के लिए तो फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी मैंने आपको रिकमेंड की है फिल्म। आप जा करके देखें, बहुत अगर आपको अच्छी न लगे तो ही आपको आनंद तो देगी फिल्म अंत तक, इसकी बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप आ करके हमें बताएं कमेंट में लिख करके कि आपको फिल्म कैसी लगी। और हाँ, वापस आने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा हम YouTube के चैनलों की भीड़ में खो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद।